So this was shift of budget line. Now I am coming to rotation of budget line. तो shift of budget line में क्या देखा कि जब slope same है तो parallel shift हो जाता है parallel. लेकिन rotation में क्या होगा? Suppose this is the initial budget line AB और आप क्या हो जाएगा AC. तो of course ये parallel नहीं है. Parallel है क्या? Parallel नहीं है. है ना? No sir, parallel नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ? Slope क्या हो जाएगा इसमें? Change हो जाएगा. राइट, स्लोप चेंज हो जाएगा. अब रोटेशन में ये जरूरी नहीं है कि स्लोप बजट लाइन घूम जा रहा है, राइट. लेकिन इस केस में ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा इनकम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. इट डजंट मैटर. अगर प्राइस चेंज हो गया किसी एक चीज का, अगर किसी एक चीज का प्राइस सेम अगर चेंज हो गया तो बजट लाइन रोटेट कर जाएगी. जैसे इस तरह से देखो, ध्यान से समझना. सपोज 500 इज इक्वल टू 10x प्लस 50y. राइट, 10x प्लस 50y. ये था हमारा इक्वेशन, पहला इक्वेशन. राइट, अभी इसको अगर मैं मैनिपुलेट करूं तो क्या होगा? 50y इज इक्वल टू 10x माइनस 10x प्लस 500. देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 10 बाय 50x प्लस 500 बाय 50. मतलब y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 5x प्लस 10. राइट, तो स्लोप क्या होगा? माइनस 1 बाई 5. ये पहला स्लोप होगा, यानी कि ये AB का पहला बजट लाइन था. राइट, अब समझो मैं बोल रहा हूं, कि सपोज X का जो प्राइस है, यानी कि जो नान का प्राइस है ना, वो सस्ता हो गया. नान अब हो गया 5 रुपए का. ठीक है, तो अब बजट लाइन बजट इक्वेशन क्या होगा? M इज इक्वल टू 500 इज इक्वल टू 5x प्लस 55, क्योंकि अब नान सस्ता हो चुका है. नान कितने का हो चुका है? 5x का. राइट, तो सिंपल लॉजिक से मुझे बताओ, सिंपल लॉजिक से पहले, कि अगर नान सस्ता हो गया है तो अब हम क्या चीज ज्यादा खा पाएंगे, नान या बटर चिकन? सर डेरिवेशन टाइप पर बोलो. सर बटर चिकन शायद डेरिवेशन टा एटा ए जिनिस टा. हाँ, 500 is equal to 10x plus 50y. ঠিক আছে, এবার যদি আমি 50y কে দিয়ে রাখলাম আর জিনিসপত্র জাস্ট ম্যানিপুলেট করলাম, বাকি সব একদিকে নিয়ে গেল, তাহলে কি 50y is equal to minus 10x plus 500? ঠিক আছে, এবার যদি আমি y কে আলাদা রাখি তো 50 নিচে চলে আসবে, তো কত হলো? minus 10 by 50x plus 500 by 50. কাটাকুটি করার পর কি হবে? y is equal to minus 1 by 5x. তো স্লোপ কত হচ্ছে? minus 1 by 5. রাইট, তো এই যে স্লোপটা হচ্ছে সেটা when your budget line is AB. Now my question is, नान का price fall 5 रुपए हो गया, 10 रुपया था 5 रुपए हो गया, तो अब तुम क्या खाओगे ज़्यादा, नान या बटर चिकन? ज़्यादा क्या खा पाओगे? सर बटर चिकन. से सर दोनों ही खा सकते हैं. बटर चिकन का प्राइस सेम है, नान सस्ता हो चुका है. नान नान हम लोग अब ज्यादा नान खाएंगे ना, क्योंकि पहले पहले हम नान के पीछे कितना खर्च कर रहे थे? नान के पीछे हम अभी अगर ये 5 हो गया है तो इसको मैं 40 खा पाऊंगा ना, तब जाके 200 होगा. तो नान डबल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर डबल हुआ. है ना? यस सर. अब देखो फिगर अच्छा से देखो, नान को मैंने एक्स एक्सिस पे रखा था ना, नान को एक्स एक्सिस पे रखा था. तो देखो पहले नान कितना खा रहे थे, इतना. अब नान कितना खा रहे हैं, इतना. दिख रहा है अंतर? पहले नान इतना बड़ा था. यस सर. नान बड़ा कि नहीं बड़ा? क्योंकि नान सस्ता हुआ है. हाँ सर बढ़ गया. ध्यान में रखना, तुमने ग्राफ ऐसा बना दिया और आंसर में लिख दिया कि बटर चिकन सस्ता हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि तुम्हारा डायग्राम बता रहा है कि नान सस्ता हुआ है, लेकिन तुमने आंसर में लिख दिया है कि बटर चिकन सस्ता हुआ है, तो हो जाएगा आंसर गलत. इसका भी ध्यान रखना है. अगर बजट लाइन ऐसा शिफ्ट करता ना इस तरह से, समझो ये था एबी, अब तुम्हारा स्लोप आ जाता है इस तरह से बीसी, तो अब क्या सस्ता हुआ है? पहले इतना बटर चिकन था, अब इतना बटर चिकन खा रहे उसी इनकम में, तो क्या सस्ता हुआ? बटर चिकन सर. वेरी गुड, बटर चिकन सस्ता हुआ. तो जिस एक्सिस पे शिफ्ट हो रहा है बजट लाइन, जिस एक्सिस पे शिफ्ट हो रहा है वो चीज सस्ता हो रहा है. समझ में आया?
जिस एक्सेस वो सस्ता हो रहा है, ठीक है। अब उसका मैथमेटिक्स देखेंगे। तो मैंने क्या बोला कि बटर चिकन सस्ता हो चुका है 5 रुपए का, तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, 500 = 5x + 50y, जो यहाँ था 500 = 10x + 50y, अब हो गया 5x + 50y, ठीक है। तो वापस इस तरह का मैनिपुलेशन अगर करें तो क्या होगा, 50y = -5x + 500। এটা কি হচ্ছে যেটা করছো, এই সেম জিনিসটা, এই জিনিসটা হলো ফর দিস বাজেট লাইন, এবার এই জিনিসটা করছি ফর দিস বাজেট লাইন। ওকে, সো ইয়েস, সো y = -5/50x + 500/50, সো দিস ইজ কামিং টু বি y = -1/10x + 10, সো দিস ইজ দ্য নিউ ইকুয়েশন। So initially what was the slope? -1/5. Now what is the slope? -1/10. So there is a change in slope, right? Slope is changing, hai ki nahi? Pehle itna tha, ab itna ho gaya, right? Ab pehle wale theory mein hum logon ne kya padha? Ki slope agar same hai to line parallel hoga. To iska matlab kya hua? Slope agar same nahi hai to line parallel nahi hoga, hai ki nahi? To yahan pe slope dekho same nahi hai. To isiliye ye dono line parallel bhi nahi hai. सर एक बार वापस से समझा दीजिए ना सर। जैसे देखो पिछले वाले यहाँ पे हम लोगों ने स्लोप कितना देखा, -1/10, ये हुआ एसी का स्लोप, और एबी का स्लोप क्या था, -1/5। तो दोनों स्लोप अलग अलग, -1/5 ऑफकोर्स -1/10 से बड़ा है, ओके, 1/5 1/10 से बड़ा है, याद रखना वो 1/2 है। और अभी अभी पहले थ्योरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर स्लोप सेम होता है तो जो लाइन है बजट लाइन वो पैरेलल होता है एक दूसरे के, पढ़ा ना कि जब बजट कि जब स्लोप सेम होता है तो बजट लाइन पैरेलल होता है। अगर स्लोप सेम नहीं होता है तो बजट लाइन भी पैरेलल नहीं होता है, और यहाँ पे स्लोप सेम नहीं है तो बजट लाइन भी पैरेलल नहीं है। ओके सर, समझिए सर, सर रोटेट कर रहे हैं इसलिए ना सर, रोटेट कर रहा है, वेरी गुड, रोटेट कर रहा है। किधर करेगा, जो चीज सस्ता हुआ है उस तरफ रोटेट करेगा, क्योंकि अब वो कस्टमर ज्यादा खरीद सकता है, तो बजट लाइन उधर रोटेट करेगा और इस तरह से बजट लाइन इधर रोटेट करेगा। बताया समझ में सबको? यस सर, समझ गए, यस सर। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि अगर इनकम चेंज होता है तो बजट लाइन शिफ्ट करता है बाहर की तरफ, ओके, बजट लाइन बाहर की तरफ शिफ्ट करता है। अब इनकम अगर चेंज ना हो, अगर प्राइस चेंज हो तो बजट लाइन बाहर की तरफ शिफ्ट नहीं करता है, रोटेट करता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या पकड़ा है, देखो हम लोगों ने ये पकड़ा कि इस केस में पकड़ा कि सिर्फ एक्स का प्राइस सस्ता हो रहा है, और इस केस में पकड़ा है कि सिर्फ वाई का प्राइस सस्ता हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा भी तो हो सकता है कि बटर चिकन और नान दोनों का प्राइस एक साथ चेंज हो रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है। हाँ सर, हो सकता है, राइट। तो अगर वैसा होगा इनकम चेंज हो रही है, की बोल सी संतनु, इनकम चेंज हो ले, इनकम चेंज हो ले तो बजट लाइन शिफ्ट कर दे। देख यदि इनकम चेंज हो, अच्छा, किंतु प्राइस चेंज हो छे ना, सपोज यदि इनकम चेंज हो छे बट प्राइस चेंज हो छे ना, তাহলে শিফট করবে প্যারালেল। যদি ইনকাম সেম আছে প্রাইস চেঞ্জ করছে কিন্তু শুধু একটা জিনিসে, তাহলে রোটেশন রোটেশন হবে আইদার এই ভাবে বা এই ভাবে, ঠিক আছে। এবার যদি ইনকাম চেঞ্জ করছে সাথে সাথে প্রাইসও চেঞ্জ করছে, তাহলে শিফটও হবে রোটেশনও হবে, সেটাই এখন বলবো, ঠিক আছে। নাও দ্য থিংস আর গেটিং মোর কমপ্লিকেটেড, রাইট, সো ট্রাই টু লিসেন ভেরি কেয়ারফুল। এবার অল চিজ অবি অল কমপ্লিকেট হো রহা হ্যায়, দেখো अभी मेरा चंदन को समझ में आ रहा है, चंदन यू आर रिस्पॉन्सिंग? यस सर। ओके, तो अभी देखो, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ बटर चिकन का प्राइस कम है या सिर्फ नान का प्राइस कम, प्राइस या बढ़े किसी का भी चेंज हो सकता है, राइट, और दोनों साथ में भी हो सकता है। तो समझो दोनों साथ में हुआ, तो पहले था ए बी, अब दोनों साथ में हुआ, और समझो बटर चिकन का प्राइस उतना चेंज नहीं हुआ जितना नान का चेंज हुआ, ठीक है। समझो बटर चिकन था पहले 50 का, नान था 10 का, नान कम के हो गया 5 रुपया,
लेकिन बटर चिकन कम किया हुआ 40 रुपए से। तो अगर ध्यान से देखो तो नान का प्राइस क्या हुआ, ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, मतलब पूरा ही हाफ हो चुका है, 10 से 5। लेकिन बटर चिकन का प्राइस क्या हाफ हुआ है? नो सर, सिर्फ 50 से 40 दिया। तो चेंज हुआ लेकिन दोनों में समान चेंज नहीं हुआ, चेंज जो है वो समान नहीं हुआ, राइट। तो देखो जो बजट लाइन जो शिफ्ट करेगा इस बार, वो शिफ्ट तो करेगा, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इनकम में कोई बदलाव नहीं है, इनकम स्टिल 500 रुपया है, प्राइस में चेंज हो रहा है, लेकिन तब भी बजट लाइन रोटेट नहीं करेगा, शिफ्ट करेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि जब इनकम चेंज होता है तब बजट लाइन शिफ्ट करता है, और जब प्राइस चेंज होता है तब वो रोटेट करता है। लेकिन इस केस में देखेंगे कि इनकम चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, लेकिन तब भी बजट लाइन शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो बजट लाइन शिफ्ट करेगा लेकिन पैरेलली शिफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से देखो, पहले था 50 और 10, तो ये था कर, अभी नान सस्ता हो चुका, नान हो चुका सस्ता, 5 रुपए का हो चुका, यानी कि क्या होगा, पहले अगर इतना नान कंज्यूम करते थे और नान का प्राइस अगर आधा हो गया तो बिल्कुल डबल नान कंज्यूम करेंगे, राइट। तो नान का जो लिमिट है वो आ जाएगा बिल्कुल डबल पे, यहाँ पे, ठीक है। पहले इतना नान, इतना बटर चिकन कंज्यूम करते थे, अब उसमें उसका प्राइस थोड़ा कम गया, कितना कमा है उसका 1/5 प्राइस कमा है, 1/5, तो कंजम्पशन कितना बढ़ेगा उसका 1/5, तो यहाँ पे समझे यही कट गया, राइट। तो नया बजट लाइन होगा ऐसा, इस तरह से, राइट, सी डी। यहाँ पे ध्यान से देखो जो एक्स एक्सिस है, दादा एक बार बोलो ना, बोलची बोलची बोलची, मैं कंफ्यूज हूं, बोलची बोलची, चलो चेंज हो गया। नानेर प्राइस छो 10 टका, होमे होए बोलो 5 टका, माने ऑलमोस्ट हाफ। तो यदि हाफ हो जाए तो अभी पहले हम कंजम्पशन एकदम डबल कर दो, तो लुक एट हियर, एक्स एक्सिस पर आगे एतोटा कंज्यूम करता, এখন এতটা কনজিউম করছি, পুরো ডাবল, রাইট। কিন্তু আমি টু বাটার চিকেন, বাটার চিকেন এর প্রাইস ওয়াজ 50 এন্ড দেন দ্য প্রাইস ওয়াজ 50, আই ওয়াজ কনজিউমিং দিস মাচ অ্যামাউন্ট অফ বাটার চিকেন, বাট দ্য প্রাইস হ্যাজ ফলেন টু 40। তো এখানে যেরকম হাফ হয়ে গেছিল প্রাইস, বাটার চিকেনের প্রাইস হাফ হচ্ছে না, একটু কমছে, অল্প কমছে, হাফ হলে 25 হতো, তো অল্প কমছে। তো যদি প্রাইস অল্প কমছে তাহলে কনজাম্পশনটাও অল্প বাড়বে, কনজাম্পশনটাও অল্প বেড়েছে, রাইট, অল্প হয়েছে। তাই জন্য বাজেট লাইন এবার সি থেকে ডি এরকম ভাবে হবে, তো এখানে ভি বাজেট লাইন হ্যাজ শিফটেড, বাট ইজ দা বাজেট লাইন শিফটেড প্যারালালি? নো স্যার, প্যারালালি নো স্যার, নো স্যার, নট প্যারালালি, তো ये প্যারালাল नहीं है। लेकिन अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, अभी यहां पे क्या हुआ, इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ था, प्राइस में चेंज हुआ, इसीलिए बजट लाइन शिफ्ट किया। अब बजट लाइन कैसे शिफ्ट किया है, टेढ़ा। अब ध्यान से सोचो कि अगर बजट लाइन ऐसे टेढ़ा है, ये वाला ऐसे टेढ़ा, अगर मैं इसको थोड़ा और ऐसे ऊपर उठा दूं तो ये पैरेलल हो जाएगा ना, अभी ऐसा है, हाँ सर हो जाएगा, थोड़ा ऐसे अगर रोटेट कर दूं तो पैरेलल हो जाएगा, यानी कि मेरे को रोटेशन कौन से एक्सिस पे चाहिए, वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे? बटर चिकन का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, सी से ऊपर जाना मतलब बटर चिकन का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। अब बटर चिकन का कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, अगर तुम्हारा इनकम बढ़ जाता तब तो तुम बटर चिकन जाके खरीद लेता, लेकिन इनकम तो है सेम, तो तुम ज्यादा बटर चिकन कैसे खाओगे? ये एक ही केस में हो सकता है कि अगर ये बटर चिकन का प्राइस 40 से और कमे तो, है कि नहीं, तभी तो ज्यादा बटर चिकन खा पाएंगे। अगर बटर चिकन 40 से कम जाए और भी प्राइस उसका, तब हम ज्यादा बटर चिकन खरीद पाएंगे, तो क्या होगा, ये बटर चिकन का कंजम्पशन ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगा, एबी के पैरेलल हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या तुम बता सकते हो कि ये बटर चिकन का प्राइस 40 से कम के कौन से लेवल तक जाना पड़ेगा ताकि ये दोनों पैरेलल हो जाए? 25 सर। वेरी गुड आंसर, फैंटास्टिक आंसर, 25। इसको 25 पे जाना पड़ेगा, जब 25 पे जाएगा तो ये इसका डबल हो जाएगा और ये जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा, इस तरह से, दिस इज ए बी एंड दिस विल बिकम सी डी। तो यहाँ भी पैरेलल शिफ्ट हुआ। अभी हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था कि पैरेलल शिफ्ट तभी होता है जब इनकम चेंज हो,
राइट। लेकिन ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां इनकम चेंज नहीं हो रहा है लेकिन स्टिल पैरेलल शिफ्ट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि इनकम चेंज नहीं होने के बावजूद भी पैरेलल शिफ्ट हुआ? कॉन्सेप्ट लगा, प्राइस कम गया सर, परसेंट कम हो गया। प्राइस तो कमा, प्राइस तो कमा, प्राइस तो इस केस में भी कमा था लेकिन पैरेलल शिफ्ट नहीं हुआ था। यहाँ भी प्राइस कमा लेकिन प्राइस का रेशियो सेम रहा। अगर तुम ध्यान से देखो पहले वाले केस में प्राइस का रेशियो क्या था, 10/50 यानी कि 1/5, और अभी जो 25 जब हो गया तो रेशियो क्या हो गया, 5/25 यानी कि अगेन 1/5। तो प्राइस का रेशियो दोनों में सेम है, और प्राइस का रेशियो मतलब क्या, बजट लाइन का स्लोप है ना। तो बजट लाइन का स्लोप यहाँ सेम है, और सेम स्लोप मतलब पैरेलल लाइंस है कि नहीं, समझ में आया? तो अगर प्राइस चेंज हो, प्राइस चेंज हो, अगर कोई इनकम नहीं चेंज हो रहा है, प्राइस भले ही चेंज हो और प्राइस चेंज अगर सेम रेशियो में हो तो बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट करेगा, इनकम बाहर में जाए। क्लियर हुआ सबको? यस सर। शांतनु चंदन क्लियर? यस सर। ओके वेरी गुड। सो दिस वाज बजट लाइन, दिस वाज द एसेंस ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन शिफ्ट कब करता है, रोटेट कब करता है ना, देना मेनी थिंग्स आर देयर। सो दिस क्लास वाज कंप्लीटली मैथमेटिकल एंड अनफॉर्चूनेटली द नेक्स्ट क्लास विल आल्सो बी मैथमेटिकल। अगला क्लास ही मैथमेटिकल होने वाला है। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगा कि ये बजट लाइन को मैं इंडिफरेंस कर्व के साथ कैसे जोड़ूंगा और इंसान अपना मैक्सिमम यूटिलिटी कैसे डिसाइड करता है, ठीक है? तो आज के क्लास में मैं यहाँ तक करने देता हूँ। मैं ज्यादा जाऊंगा तो तुम लोग का कॉन्सेंट्रेशन खराब हो सकता है, तो इसीलिए तुम लोग क्या करो, आज ही जब मैं वीडियो अपलोड कर दूँ तो रात को वीडियो बैठ के देखो और पढ़ो इसको, इससे नोट्स बनाओ कॉपी में, ठीक है? अभी तो तुम लोग नोट्स नहीं बनाया होगा तो इसको देख देख के नोट्स बनाओ, डायग्राम वगैरह अच्छे से बनाओ, और वीडियो देख के भी कुछ ना समझ में आता है तो मेरे को फोन करके पूछो या मैसेज करके पूछो, ठीक है? क्लियर हुआ? ऑलराइट। Yes sir. Good night to सबको. Good bye. Hello. Take care. Night sir. Hello. Hello. कुछ बोल रहे? Hello sir. हाँ बोलो sir. Yes sir. Sir Ziaul next class पे attend नहीं करेगा sir. क्या बोल रहे हो? मामा का. Sir Ziauddin जो था.